अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना वैस घुमन सियालकोट। इस टाइम मैं डडियाल पुल के करीब बैठा। यह जिहड़ा तुहानू पिछे पुल नज़र आउंदा पिया, इह रास्ता डडियाल नू जांदा और यह पुल बनिया वे दरियाए पूंछ दे उत्ते। यह उही दरियाए पूंछ है जिहड़ा कि कोटली की बैक साइड तो गुजरदा, पिछू नकियाल वाली साइड तो और पहाड़ों तो पिछू आउंदा और इत्थों आ के तो यह दरियाए पूंछ का पानी डैम दे विच डिगदा, जिहनू असीं मंगला डैम आने। इतों मेरे सज्जे हाथ मंगला डैम है और तू सामने मीरपुर नज़र आता पाया और बड़ा अच्छा सफ़र रहा, बड़ा अच्छा सफ़र और बड़ा अच्छा विजिट रहा। बड़िया सारिया मुहब्बत, बड़ा सारा प्यार, बड़िया सारिया चाहत समेट के मैं वापस पंजाब जा रहा। अज की रात जी इंशाल्लाह मेरी मीरपुर होगी, लेकिन मेरा दिल जड़ा वह कश्मीर ही रह गया। काश कि इजाजत होंगी जगह खरीदन की, क्योंकि असी पाकिस्तानी इतों कश्मीर के जगह नहीं खरीद सकते। अगर जगह खरीदन की इजाजत होंगी तो मैं एक घर इतने कश्मीर बना लेना सी, एक पाकिस्तान सियालकोट बना लेना सी। फिर गर्मियां गुजारनिया सन कश्मीर तो सर्दियां गुजारनिया सन सियालकोट, लेकिन इजाजत नहीं है जगह खरीदन की। बाकी मैं 80 किलोमीटर सफ़र किया तो यकीन करो इंज ही मैं फ्रैश हाँ, मेरे कपड़े भी साफ सुथरे ने, मेरा चेहरा भी बिल्कुल इंज ही हाँ कि जिमें मैं हूं अजे घरों तैयार हो के निकलियाँ। वरना साढ़े सियालकोट को 4-5 किलोमीटर सफ़र कर लीए ना, इंज की मत वज जाती है, धूड़ गर्दो गबार बड़ी है, गंद बेबा है कि यानी कि वो साड़ी हालत ही नहीं वेखन वाली रही। मैं अपने पंजाब नू गलत नहीं कह रहा, अपने पाकिस्तान नू मैं किसी सूरत भी बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जिहड़ियां कोई खामियां ने यार वो सानू दुरुस्त करनियां पैणियां ने। यानी वो खामियां किहड़ियां ने, मैं बड़ा बड़ा पहाड़ों के लम्मा सफ़र किया। मैं कई लोगों के कोलों पुछया भी, उन्होंने को इनफॉर्मेशन भी ली कि इतने कोई खतरा तो नहीं। उन्हें आख्या तुम जिन्ना मर्जी सफ़र करो ना, तुम चोरी डकेटी तो बेखौफ हो जाओ, तुहानू कोई नहीं छेड़ेगा, तंग नहीं करेगा, तुहानू लुटेगा नहीं, मारेगा नहीं, तुहाड़ियां चीज़ा नहीं खोएगा। यानी कि किड्डी मज़े वाली गल है कि एडे खतरनाक सफ़र के पहाड़ों के जिथे कल्या सफ़र किया और बेखौफ हो के, कि यह खौफ नहीं कि किसी ने लुट लैना है, किसी ने सानू मारना है वगैरह वगैरह। हाँ जी, लिहाजा एक और एक बड़ी गल जी कि ट्रैफिक बड़ी घट है, यानी कि रोडों के उत्ते ट्रैफिक बड़ी घट है साढ़े तो, खासकर सियालकोट, वैसे गुजराला, फैसलाबाद, लाहौर वगैरह वगैरह असं उन्हों की गल नहीं करते, सियालकोट की कर लें। इन्नी ट्रैफिक है, गड्डी तो गड्डी चढ़ी है, बंदे तो बंदा चढ़े है, इतने आम रोडों के उत्ते ट्रैफिक बड़ी घट है, यानी कि इन्नी ज़्यादा यानी कि गहमा गहमी नहीं है, जिंद वजह रोड बड़े प्याड़े ने यार, इंज बिल्कुल जिम्मे मोटरवे होंगी है ना, इंज साफ सुथरे रोड ने, जिनी मर्जी भी बुलंदी है ना पहाड़ ने, इंज जनाब तुम बिल्कुल बड़े मजे न उत्ते जाओगे और जिने उच्चे पहाड़ ने उन्नी ज़्यादा साइडों के उत्ते सेफ्टी लगी है। वेखने वाले मैं आखांगा कि अगर तुसा इंजॉय करना है तो कार की बजाय मोटरसाइकिल पर आओ और मोटरसाइकिल का तेल शेल चेंज करा के, टेंकियां फुल करा के, वाशा टायर ट्यूब चेक करके तो तुम आओ और इंजॉय करो। अल्लाह पाक दी ज़ात तुहानू सारयां नू सलामत रखे। मिलने एक नवी वीडियो के नाल, अल्लाह सोने दे वाले सलाम आखरी बस।